गाइस बाहर का नज़ारा देख रहे हो। अभी हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ठंड बहुत ही है। अभी -5 चल रहा है बाहर, तो अभी हमने जैकेट जुकेट भी नहीं पहनी, अभी खाना बन रहा है, तो इसलिए हम बाहर नहीं जाना चाहते। बट आप लोगों को हम अपने विंडो से नज़ारा दिखा रहे हैं, हमारे किचन की विंडो से, और सूर्य देवता देखो छिप रहे हैं और नज़ारे देखो कितने बढ़िया। हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल जी एंड स्वागत है वेलकम टू अमेरिकन देसी व्लॉग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब को मैंने जरूर दबाई और वीडियो अंत तक जरूर देखिए। करते हैं आज के नए व्लॉग की शुरुआत, लेके प्रभु का नाम बोलो जय सी राम। आज है लोहड़ी, तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी लोहड़ी। इंडिया में तो सब लोगों ने मना ली होगी, होपफुली आप लोगों ने पतंग उड़ाए होंगे, अच्छा मौसम होगा और रात को आपने लोहड़ी वगैरह बाल ली होगी। बट हैप्पी लोहड़ी 2022 की पहली लोहड़ी, आप लोगों को पहला त्यौहार बहुत 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 मुबारक हो। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा जिम, थोड़ा वर्कआउट लगा लेते हैं, फिर शाम को थोड़ा हम भी सेलिब्रेट कर लेंगे। यहाँ पे तो मतलब मूंगफली कचक रेवड़ी रूबड़ी का कोई सीन नहीं होता। हाँ, इंडियन स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर मिल जाती है, बट इंडिया में तो वो दिन बहुत याद आते हैं ऐसे त्यौहारों पे, क्या चहल पहल होती थी। पे होता है काइट फेस्टिवल, यहाँ पे एक ग्रीन हिल पार्क है, वहाँ पे आप जाके काइट वगैरह उड़ा सकते हो। बट वो वहाँ पे, यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है पूरा, यहाँ पे काइट फेस्टिवल बोलते हैं इसको। लोहड़ी के दिन नहीं होता ये, बीच में ही समर में कुछ टाइम में होता है। पिछले साल तो हुआ नहीं क्योंकि कोविड के कारण सारे पार्क बंद किए हुए थे, बट होपफुली इस बार होगा और आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। हम भी पतंग वगैरह उड़ाएंगे, हम 2 बार गए हैं और फन होता है पूरा। बट इंडिया में तो लोहड़ी पे बसंत पे इतने पतंग उड़ाते थे, इंडिया में तो हम भी बहुत पतंग उड़ाया करते थे और हाथों पे चीरे चूरे पड़ जाते थे। आज सीन तो नहीं था थोड़ा बारिश बुरिश का, बट बारिश अब स्टार्ट हो गई है। पहले थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी, अब तेज होती जा रही है। देखते हैं फटाफट मत्था टेक ले, फिर लोहड़ी पीछे करेंगे तो बारिश हो जाएगी तो फिर सारा पानी पानी हो जाएगा। अंकल के स्टोर जाना था बट अंकल के स्टोर गए नहीं, रात इतनी हो गई और मैंने कहा क्रोकर से ही देख लेते हैं, एक दो चीज़ें लेने वाली और ले लेते हैं फटाफट। ऑलराइट गाइस, तो अंदर हमने व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाई क्योंकि अंदर मतलब इतना रश और रश इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे विंटर स्टॉर्म आने वाला है, 1-2 दिनों में आएगा, वीकेंड पे आने वाला है। बट हमें भी नहीं पता कब हिट करेगा क्योंकि सभी जगह न्यूज़ पे ये चल रहा है कि विंटर स्टॉर्म आ रहा है और नॉर्थ की तरफ आ रहा है। इसलिए जब भी यहाँ पे ऐसे कभी कोविड का हुआ था या कोई विंटर स्टॉर्म हो तो सभी लोग पागल हो जाते हैं और मतलब पूरे ग्रोसरी स्टोर खाली हो जाते हैं। यहाँ पर मैं व्लॉग बनाने लगा तो मतलब इतने लोग थे तो फिर हमने कैमरा ऑन ही नहीं किया और हमने सामान अपना ले लिया है। बट दूध हमने एक ले लिया क्योंकि दूध की बहुत ज़रूरत पड़ती है, स्टॉर्म आए या ना आए दूध तो घर में चाहिए होता। बट यहाँ पे ब्रेड, दूध, पीनट बटर, ये चीज़ें जो मेन चीज़ें होती हैं, लोग पागल हो जाते हैं उनके पीछे। और हम आपको दिखाते हैं, हमने मूंगफली और पॉपकॉर्न के पैकेट ले लिया है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और पॉपकॉर्न हमने यही वाले ले लिए, अभी हम इसको घर पे जाकर बना लेंगे। दूसरे वाले थे ही नहीं, मैंने इतना ढूंढा तो मिले ही नहीं, तो फिर मैंने ये बड़ा पैकेट ले लिया है और इसी को हम 2-3 पैकेट बना लेंगे। और मूंगफली के लिए हमने ये देखो पीनट्स ले लिए हैं, ये भी नहीं मिल रहे थे, बहुत मुश्किल से मिले। मैंने दीपिका को फ़ोन किया तो उसने बताया कि इस आयल में होंगे, तो मैंने इस आयल में देखा नहीं थे, उसे अगले वाली आयल में पड़े थे। बट मूंगफली हमें मिल गई है, बहुत बढ़िया हो गया। साल्टेड हमने ले ली, केजन भी थी, वो थोड़ी स्पाइसी हो जाती बट हमें ये अच्छी लगी, तो हमने ये वाली मूंगफली फुल ली है। पीनट्स तो जहाँ से मर्जी ले लो बट ये फुल वाली बहुत मुश्किल मिलती है और हमने ये ले ली है। और अभी हम जा रहे हैं पीछे, थोड़ा सामान सेट कर लें, बारिश पड़ रही है बट इस पे हम रख के लकड़े वगैरह कर लेंगे। वैसे तो हमारे पास बड़ी वाली भी पड़ी है, ये भी पड़ी है, पहले उस पे हम खाना बनाते होते थे, अब ये वाली आ चुकी है तो इस पे भी हम कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, तो हम इसी पे करेंगे, बढ़िया रहती है, छोटी है। और सारी लकड़े हमने बीच में डाल दी हैं, इसके तकड़ी के बीच में, ग्रिल के बीच में। हम ज़मीन पे नहीं करते जो कि आप देख रहे हैं कितने पत्ते पड़े हैं, अगर ज़मीन पे मोड़ी से भी आग लगी तो सारे के सारे पत्ते जल जाएंगे, इसलिए हम हमेशा इसी में करते हैं। इसमें सेफ़ भी रहता है, ठीक भी रहता है, जब आग वगैरह कम हो जाती है तो हम ऊपर से कवर कर देते हैं। बट अभी हमने सारी लकड़े तोड़ ली, ऊपर कवर कर दिए क्योंकि बारिश पड़ रही है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम फटाफट लगाने लगे हैं क्योंकि बारिश हो रही है तेज और इसलिए थोड़ा गैसोलीन वगैरह तो हमने डाल दी है।
फ्रेंड्स हैप्पी लोहड़ी आप सब लोगों को, बारिश पे लोहड़ी। और ये लकड़ी अभी जल रही है, मैंने गैसोलीन डाली थी, गैसोलीन कागज के ऊपर थी और जैसे मैंने लाइटर ऑन किया फटाफट उसने पकड़ लिया। हैप्पी लोहड़ी टू एवरीबॉडी, हैप्पी लोहड़ी आपको भी। बस ये धुआं बहुत चढ़ रहा है लकड़ों का, पर बारिश हट गई अब। हाँ, बारिश बिल्कुल तरह थम गई है, अब बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही, मौसम ठंडा हो गया। बट आप क्या गए, हम बैठे हुए हैं तो मतलब बिल्कुल भी ठंड नहीं, ठंड वैसे इतनी नहीं है आज की, मतलब बहुत ज्यादा महसूस हो, नहीं तो आपको पता कि मतलब कप कपी सी चढ़ती है आज। इतना आज हमने कुर्ता पजामा भी पहना है, नीचे से स्वेटर पहने हुए हैं, बट एक ही दिन मिलता है हमें पहनने का कुर्ता पजामा यहाँ पे, इसलिए मौका छोड़ते नहीं है, जब भी मिलता मौका और हम पहन लेते हैं। हम बैठे हुए हैं, आग सेक रहे हैं, खाने पीने का भी अंदर जाकर बंदोबस्त करते हैं, या तो बाहर से कुछ खाएंगे या घर पे खाएंगे। प्रिया उन्हीं आज आए नहीं, क्योंकि प्रिया उन्हीं गए हैं गुरुद्वारा और उनका वहाँ पे प्रोग्राम था, तो वो वहाँ पे गए हैं। होपफुली रात को थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। मजा आ रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है हम बॉनफायर पे बैठे हैं, बीच पे हैं और बॉनफायर पे बैठे। हाँ ठंड है, बट जैसे मैंने बताया आके आगे बैठोगे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। और देखो फ्रेंड्स, हमने घर पे पॉपकॉर्न बनाए हैं, बहुत स्वाद है, मूंगफली भी बहुत अच्छी है, फ्रेश मूंगफली है यहाँ पे। और गच्चक हमें मिली नहीं, गच्चक इंडियन स्टोर पे जाना था बट अंकल के गए नहीं, टाइम ही नहीं लगा, और फटाफट जो मिला हमें हमने मत्था टेक लिया। बस यही होता है, अच्छे से मत्था टेक जाए, देखते हैं फ्रेंड्स क्या करना सोचेंगे। या बाहर से खाना तो बाहर से खा लेंगे, आज लोहड़ी है तो थोड़ी सेलिब्रेशन तो बनती है, नहीं तो फिर घर पे कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे। और अब सारस भी आ गया है, सारस से हाय, हैप्पी लोहड़ी सारस, यू वांट टू से हैप्पी लोहड़ी टू एवरीबॉडी। ओके, तो अभी हम दोबारा से जला रहे हैं और लोहड़ी मना रहे हैं, ये मत्था टेका ही गुरुद्वारे पे, और गुरुद्वारे में भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया था बट अभी हम आए हैं दोबारा और फिर से लोहड़ी कर रहे हैं, मत्था टेकने लगे हैं। प्रिया प्रिया भी आ गई है। हेलो एवरीबॉडी। ओके, तो सारस भी है और इधर परमिंदर भाई भी है और मम्मी भी आ गई। मम्मी हैप्पी लोहड़ी कह दो। हैप्पी लोहड़ी। तो अभी देखो धीरे धीरे आग जल रही है। गाइस, तो अभी हम वीडियो एडिट कर रहे हैं रात वाली, और वीडियो एडिट करके साथ के साथ में ही अपलोड कर देंगे। थोड़ा लेट हो गए, कल अपलोड करनी थी बट कल टाइम नहीं लगा, थोड़ा बिजी चल रहा था स्केड्यूल, और इसलिए आज अपलोड करेंगे। होपफुली आप लोगों को हमारी लोहड़ी की 2022 लोहड़ी की व्लॉग अच्छी लगी होगी, और आज की व्लॉग अच्छी लगी तो गाइस मेक योर लाइक बटन जरूर दबा देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अगर कर लिया तो आगे से आगे शेयर करना। गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। Have a good night.